गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे, हमने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ग्रुप के बारे में पढ़ा था, सोशल जो ग्रुप होता है, ठीक है। आज हम देखेंगे ऑडियंस, ठीक है, क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू वीवी ऑडियंस है वो क्या होता है, एक मतलब एक ऑडियंस इट इज क्या होता है, टेम्पररी एसोसिएट होता है, जिसके अंदर क्या करता है वो, मतलब जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, है ना। और वो क्या करते हैं, एक जगह आते हैं टुगेदर, मतलब क्या होता है गैदर, वहां पे क्या करते हैं वो गैदर, एक जगह गैदर होते हैं। और वो मतलब क्यों आते हैं, एक स्पेसिफिक मतलब तुम्हारा सिमिलर जो तुम्हारा पर्पस है, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू तुम्हारा, हमने क्या कहा है तुम्हारा कि जो ऑडियंस है वो है, एक ऑडियंस ऐसा होता है जो टेम्पररी होता है, ठीक है। इसमें मेंबर्स होते हैं और हैव गैदर फॉर एक मतलब डिफरेंस, क्या करता है वो एक पर्टिकुलर तुम्हारा जो सिमिलर पर्पस, इसलिए वो आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इच वन जो कम्स है मतलब जो आते हैं वो क्या करता है तुम्हारा अकॉर्डिंग टू, मतलब इसमें जो क्या होता है वो हिज हर कोई भी हो सकता है, वो इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट से जो आते हैं ऑडियंस, ठीक है। अब देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, क्या इसके फीचर्स है, ठीक है। तो पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वे स्पेसिफिक क्या होता है, पर्पस क्या होता है वो, एक स्पेसिफिक मतलब तुम्हारा क्यों आते हैं वो, एक स्पेसिफिक पर्पस के कारण, स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। मतलब जैसे एग्जांपल हो गया तुम्हारे, कई बार मतलब क्या होता है, कोई भी मतलब तुम्हारा जो विटनेस मतलब जो भी वहाँ प्रेजेंटेशन हो रहा है, वहाँ पे लिसनिंग जो भी जो आ रहा है, पोएट्री कुछ हो रहा है वहाँ पे, तो जो आया है, ठीक है, और फिर खुद के इंटरेस्ट से, मतलब एक स्पेसिफिक क्या है वहाँ पे, पर्पस है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये ऐसा है, इसमें क्या करता है ये प्री डिटरमाइंड, ठीक है, मतलब टाइम एंड प्लेस इसमें पहले से क्या आता है, प्री, ठीक है, रहता है, मतलब उसमें क्या करता है प्री डिटरमाइंड रहता है ये, ठीक है, कैसे टाइम एंड प्लेस, ठीक है। हमको जहाँ भी मतलब जाना है, हमको पता है कि हमको वहाँ पे जाना है, ठीक है, अपने खुद के इंटरेस्ट से, मतलब एक स्पेसिफिक तुम्हारा पर्पस भी है, और जो ऑडियंस है वो कलेक्ट करता है स्पेसिफिक टाइम प्लेस, ठीक है, मतलब वो पहले से प्रिपेयर था कि हमको मालूम है कि हमको वहाँ पे उस प्लेस में या फिर उस जगह जाना है, ठीक है। फिर है इसमें तुम्हारा क्या है, जो ऑडियंस है उसके मतलब तो जो ऑडियंस कैन भी क्या करता है, सीन लिसनिंग करता है, ठीक है, सुनता है, और ये क्या करता है विद इन मतलब तुम्हारा एक्शन इन उस पर्टिकुलर वहाँ पे, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द जो तुम्हारा है वो क्या होता है, इंटरैक्ट मतलब इंटरैक्शन होता है बिटवीन द जो परफॉर्म कर रहा है वो और ऑडियंस, ठीक है। क्योंकि जो भी ऑडियंस है हम उसके पास मतलब अगर ऑडियंस है तो क्या है, कभी कभी क्या होता है उसका पर्पस कि हम जो बोल रहे हैं वो सामने वाले को मतलब कितना इंटरैक्ट, वो भी मतलब हम जो देख पढ़ रहे हैं तो वो भी इंटरैक्ट कर सकता है, ठीक है। जो ऑडियंस अटेंड करता है क्या चीज़ को, टू द तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है वो चीज़ को, और इफेक्ट दिखता है बाय द अपना जो भी स्पीच है या फिर एक्शन, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ऑडियंस का कैरेक्टरिस्टिक। अब हम देखेंगे तुम्हारा ऑडियंस, ठीक है, और मतलब जो ऑडियंस है ठीक है, और क्लाउड, क्लाउड मतलब क्या होता है भीड़, और ऑडियंस ठीक है क्या होता है, अभी मैंने कहा ऑडियंस, ठीक है। तो हम इन दोनों का डिफरेंट देखेंगे, ठीक है, ऑडियंस एंड क्लाउड। तो ये क्या होता है, प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ा था क्या है कि जो
ये क्या करता है, नो बेनिफिट पर्पस, ये क्या करता है, जो जो भीड़ भर इकट्ठा होता है उसमें क्या होता है, नो पर्पस, मतलब बेनिफिट पर्पस नहीं होता है, ठीक है, नो बेनिफिट पर्पस। लेकिन अभी हमने देखा जो ऑडियंस होता है, ठीक है, वो क्या करता है ऑडियंस, वो एक ऑडियंस है ऐसे पर्पस, मतलब एक पर्टिकुलर पर्पस से आता है अपने ओन इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्लॉक, वो क्या करता है, ये मतलब क्या करता है, तुम्हारा जो वो पर्टिकुलर गेट्स एक कलेक्शन होता है किसका, एज इट्स ओन, मतलब हमारा जो भी मतलब एक्ट है वो क्या है, खुद का कलेक्टिव और ओन, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, तुम्हारा ऑडियंस एक प्लान रहता है, मतलब एक प्लान पे रहता है, प्लान प्लान रहता है पहले से, प्लान पे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड थर्ड वन, उसमें क्या करता है, नो रूल्स ऑफ द बिहेवियर, ठीक है, इसमें कैसा रहता है, नो रूल्स ऑफ द बिहेवियर, लेकिन ऑडियंस में क्या है, देयर आर द रूल्स ऑफ द, जो भी वहां कंटेक्ट मतलब वहां पे जो कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर एक रूल्स रहता है, ठीक है, जो इसमें क्या करता है तुम्हारा, लो इंटरेस्ट, बट इसमें क्या करता है, जो ऑडियंस है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जो और उसमें क्या करता है, कॉमन इंटरेस्ट जो ग्रुप होता है उसमें क्या करता है, कॉमन इंटरेस्ट रहता है ऑफ ए ग्रुप, ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट। लेकिन ऑडियंस में क्या है तुम्हारा, ये अभी हम लोगों ने देखा था क्या है, ये प्री डिटरमिन टाइम एंड प्लेस, ठीक है, मतलब इसमें तुम्हारा हमने देखा कि इसमें जो इंटरेस्ट है, ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट है, लेकिन उसमें क्या है, लाइक इंटरेस्ट ग्रुप है, ठीक है, क्या है, लाइक इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है। और इसमें क्या है तुम्हारा, इसमें है नो, मतलब तुम्हारा जो डिटरमिन है वो क्या करता है, इसमें नहीं रहता है, नो डिटरमिन, अभी देखा था नो डिटरमिन एट प्लेस एंड टाइम, लेकिन ऑडियंस में क्या रहता है तुम्हारा, एक डिटरमिन क्या करता है, प्लेस रहता है, मतलब प्लेस भी और टाइम भी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम इसको हम क्या बोलते हैं, बियर्ड क्लॉक, मतलब फिर, ठीक है। उसमें हम देखेंगे जो ऑर्गेनाइज है वो क्या करता है, अनकंट्रोल, कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो तुम्हारा ऑडियंस है वो क्या करता है, एक ऑर्गेनाइज रहता है और कंट्रोल, उसमें भी कंट्रोल भी मिलेगा आपको और एक ऑर्गेनाइज, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसमें जो तुम्हारा क्या है, इसमें जो पावर है वो क्या, एक यूनिटी है, इसमें आपको मिलेगा यूनिटी, लेकिन जो तुम्हारा ऑडियंस है उसमें क्या क्या रहेगा, नो सेंस ऑफ द पावर एंड यूनिटी, लेकिन इसमें तुम्हारा रहेगा सेंस ऑफ द पावर एंड यूनिटी, ठीक है। और उसमें रहेगा ऑडियंस में नो सेंस ऑफ द, मतलब तुम्हारा सेंस नहीं है, जो पावर है और यूनिटी, ठीक है। और ये क्या करता है, अनस्टेबल है, जो प्लॉट है वो अनस्टेबल, लेकिन जो ऑडियंस है वो क्या करता है, स्टेबल रहता है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे और क्या रहता है उसमें, कि जो तुम्हारा एक कंटिन्यूस, मतलब क्या है, ये इमोशन रहता है इसके अंदर, क्या रहता है, ये इमोशनल रहेगा क्लॉथ, लेकिन जो ऑडियंस है उसमें क्या रहेगा, एट लेस, मतलब लेस इमोशन रहेगा उसके अंदर, लेस इमोशन, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्लॉथ और ऑडियंस का, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है।